स्वागत है आपका कैडकैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैडकैम सीए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नाउ इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्री टूल्स कवर करेंगे, 3D पॉलीलाइन, हेलिक्स एंड डोनट। नाउ ये जो टूल्स है ये 3D टूल्स है, ओके मीन्स आप पॉलीलाइन, अब आपने यहाँ पे पॉलीलाइन देखा है ओके, बट ये ओनली एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आता है। अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में पॉलीलाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ से आप 3D पॉलीलाइन यूज कर सकते हो। सिमिलरली हेलिक्स, आपके जो बाइक का स्प्रिंग होता है, सस्पेंशन स्प्रिंग एंड ऑल, वो आप हेलिक्स से क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज डोनट। अब देखो, पहले अगर मुझे 3D में क्रिएट करना है तो मुझे ये व्यू चेंज करना है, ओके सो आप यहाँ पे व्यू क्यूब होगा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और बेटर रहेगा लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपका टॉप व्यू शो कर रहा है उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक सिलेक्ट कीजिए, ओके ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, मीन्स आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, आपका स्क्रीन चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपका आइसोमेट्रिक और 3D व्यू क्रिएट हुआ। नाउ सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे 3D पॉलीलाइन एंड नाउ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो पॉलीलाइन को। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एंड एंगल में पॉलीलाइन क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, एंड आप नोटिस कर सकते हो जैसे ही आप पॉलीलाइन ड्रॉ कर रहे हो ये एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, अब देखो अगर इसे रोटेट करना है, अब ये आप स्क्रोल बटन जो है वो पैन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने शिफ्ट की प्रेस करके स्क्रोल रोटेट किया तो अब देखो ये रोटेट हो जाएगा। एंड नाउ आप नोटिस कर सकते हो जेड डायरेक्शन में भी ये वर्टिकली मूव हुआ है पॉलीलाइन। ओके, सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आप पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो ये आपका 3D पॉलीलाइन है। नेक्स्ट टूल रहेगा आपका हेलिक्स। अब देखो हेलिक्स ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट कीजिए हेलिक्स। सबसे पहले आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, सो सेंटर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। नाउ बेस का जो सर्कल होगा उसका डायमीटर चाहिए मुझे, सो बेस सर्कल डायमीटर मैंने यहाँ पे 20 डिफाइन किया, एंटर। अब टॉप में जो सर्कल रहेगा उसका डायमीटर चाहिए मुझे, सो टॉप में भी मुझे सेम डायमीटर चाहिए 20। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक हेलिक्स क्रिएट हो रहा है। नोटिस कर सकते हो आप ओनली हाइट चेंज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, सो टर्न्स चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ से आप ये सब चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक करके मुझे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करना है, सो टर्न्स, एंड अब यहाँ पे 3 नहीं, मुझे 6 और 7 टर्न्स चाहिए, सो एंटर। अब आप देख सकते हो 7 टर्न्स। उसके बाद आपको हाइट डिफाइन करना है, सो फॉर एग्जाम्पल 70 हाइट दिया मैंने इसका एंड एंटर। एंड अगेन शिफ्ट एंड स्क्रोल से आप इसे रोटेट करके देख सकते हो आपका हेलिक्स क्रिएट हो जाएगा 3D में। ओके, नाउ अगेन हेलिक्स बेस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बेस में 20 रख रहा हूँ एंड टॉप में यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 30। ओके, अब आप देख सकते हो आपका टेपर्ड हेलिक्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने बेस रेडियस 20 रखा है एंड टॉप रेडियस यहाँ पे मैंने 30 दिया है, सो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियस देके टेपर्ड हेलिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड अगेन अब देखो मुझे टर्न्स नहीं देना, टर्न्स हाइट स्पेसिफाई करना है, सो टर्न हाइट। अब टर्न हाइट मुझे चाहिए, मीन्स आपका जो पिच रहेगा वो मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 615, एंटर। एंड नाउ आप देख सकते हो जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इसे, अब ओनली हाइट से टर्न्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो टर्न हाइट है, पिच जो है वो मैंने कांस्टेंट रखा है 15। एंड आपको जितने भी यहाँ पे टर्न्स चाहिए हाइट देके आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, सो ऐसे आप नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न हाइट, बेस रेडियस, टॉप रेडियस सब हेलिक्स में चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट वन थर्ड टूल रहेगा आपका डोनट। ओके, नाउ फील्ड सर्कल ये क्रिएट करता है डोनट ओनली, सो सिलेक्ट कीजिए डोनट। अब देखिए इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, सो डोनट का मुझे इनसाइड डायमीटर 5 चाहिए, एंटर किया। आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, आउटसाइड डायमीटर इनसाइड से ज़्यादा होना चाहिए, सो मैंने यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया, एंटर। एंड नाउ आप देख सकते हो कर्सर पे 2 सर्कल्स आ रहे हैं। ओके, एंड जैसे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे ये डोनट्स क्रिएट कर रहा है। ओके, 2 सर्कल्स रहेंगे जिसमें यहाँ पे फिल किया होगा। ऑलराइट, एंड अगर आपने इसे टॉप व्यू से देखा, अगेन यहाँ पे क्लिक कीजिए टॉप व्यू, सो इसे कम्प्लीटली फिल शो करेगा आपका डोनट। ओके, सो ये है आपका हेलिक्स, 3D पॉलीलाइन एंड डोनट।
नाउ इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका लास्ट टूल कवर करेंगे हम लोग, रिविजन क्लाउड्स।